नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। गो वाइल्ड इन इंडिया के इस छोटे से अध्याय में, चैप्टर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव, आपका होस्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या नया लाए आपके लिए। कुछ ऐसा नया है जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया था, आपकी निगाह में हम ला के नहीं पेश कर पाए थे, मगर आपकी किस्मत अच्छी थी। हमने रेस्क्यू की है एक बहुत ही सुंदर जीव जिसको हम हिंदी में गोह बोलते हैं, जिसको आप कोयरे के नाम से भी जानते हैं, इंडियन मॉनिटर लिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक इंडियन मॉनिटर लिजर्ट से, जिसको हम लोगों ने आज सुबह ही रेस्क्यू किया है। मॉनिटर लिजर्ट जिसे हमने भरत जी के हाथ से रेस्क्यू किया है, और वो नमस्ते करके आपको दिखा भी रहा है। हाथ दिखा रहा है। निखिल देख ले, तेरे पसंद की चीज। बहुत ज्यादा निखिल आई मैम, गलत फहमी है इसको लेकर। गलती क्यों कर निखिल? ऐसा माना जाता है कि ये काफी विषैला है, पर ये सच नहीं, इसमें जहर नहीं होता। बताया जहर नहीं होता इसमें, इसमें खुद की कोई वेनमस ग्लैंड्स नहीं है जिससे जहर पैदा कर सके। तो ये शांति भरा जीव है, बड़ा बहुत हो जाता है, फिलहाल अभी बच्चा है, फुल साइज नहीं है। इधर आओ निखिल, निखिल नाम है तुम्हारा। इधर आओ, बदल के देखो, पकड़ना है। देखो कैसी कैसी इसकी पूंछ है, और अगर तुम इसकी पूंछ पे उल्टा हाथ चलाओगे तो काट तक, मतलब हाथ कट जाएगा तुम्हारा, खुला नहीं। लगाओ हाथ, लगाओ हाथ, लगाओ। मैंने पकड़ा हुआ उसका, छोड़ दिया। अगर तुम इसकी स्किन पे उल्टा हाथ चलाओगे ना तो डर गए तुम? बस अभी से डर गए। मंकी तो बहुत छोटा है। और ये देखो, इधर देखो ध्यान से, क्या कर रहा है? स्किन उतार रहा है, नई स्किन आ रही है इसको, देख रहे हो? देखो बहुत लगा रही है नई स्किन। बच्चा है, हम लोगों को अभी भी ये फुल साइज में देखने को अभी तक नहीं मिली है, मगर ये एक बच्चा है, हेल्दी है, अच्छा है। और हमने इसको एक कुनाड़ी के घर से रेस्क्यू किया, और आज हम इसको छोड़ने आए हैं इस खूबसूरत से आर्मी एरिया के जंगल में। हमें पता है कि ये यहाँ पे सुरक्षित रह सकती है, हमें पता है कि इसका यहाँ के इसके लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है। तो आइए आपको मिलवाते हैं इंडियन मॉनिटर लिजर्ट उर्फ को उर्फ कोयरा। कुछ मिथ्या इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये सांप बेहद ये को यानी कि जानवर बेहद जहरीला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जानवर की, इस लिजर्ड की, इस छिपकली की खुद की कोई भी विष ग्रंथियां नहीं होती। इसका मतलब ये खुद का कोई भी विष पैदा नहीं कर सकता, और जब विष पैदा नहीं कर सकता तो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मगर यह बिल्कुल सच भी है कि ये जानवर बहुत बुरी तरीके से काटता है। इनका बाइट फोर्स कमाल का है, ग्रिप इतनी जबरदस्त कि अगर पड़ ले, पकड़ ले तो आप उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। इन्वर्टेड सांपों की तरह, बिल्कुल लिजर्ड्स की तरह, अंदर इन्वर्टेड इनके फैंग्स होते हैं जो एक लंबी कतार में होते हैं, और पूरे जबड़े पे वो हम लोगों को दांत देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी ग्रिपिंग्स बहुत सॉलिड कर देते हैं। तो इसको लेकर और भी कई मिथ्याएं हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते, इसलिए आज शॉर्ट में निपटाते हैं। एक छोटा सा फैक्ट, और हमने जिस घर से इसको रेस्क्यू किया, ये उस घर में चूहे के पीछे आया था, चूहे के इसने बच्चे खाए हुए थे। और आज जब हम सुबह से इसको लेके, अभी रेस्क्यू के बाद हम जब इसको रिलीज करने आए, तो हमें देखने को मिला कि इसने सारे चूहे वापस से उगल दिए थे। और गर्मी राजस्थान कोटा में तेज़ है, तो हमें इस डिब्बे में से, जो कि हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, बहुत ही तेज़ घिनौनी बदबू आ रही है।
इसका मतलब साफ है कि वो चूहे के बच्चे अब तक सड़ गए होंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक सुंदर मॉनिटर लिजर्ड से। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे कि मैं इसको पकड़ूंगा नहीं। हाँ, मुझे आप लोगों को बताने में इस बात में कोई शर्म नहीं है कि वो पूरी तरीके से एक गंदी स्लरी में भीगा हुआ है, जिसको अगर मैं पकड़ूंगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं पकड़ूंगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक सुंदर गोश से, आइए। आप देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं ये खुद ही के मल में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी है। चूहा वगैरह सब खा लिया गया है और जो वापस उगाला गया था वो बहुत बदबू मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदबू। तो हम आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए जल्दी इस जीप को वापस यहाँ पे रवाना कर देते हैं और इसका रिलीज करने का समय है। ये बहुत आतुर है वापस से अपने जंगल में लौट जाने के लिए। तो आइए इसको वापस रिलीज करते हैं और आप इसके साक्षी बनेंगे। तो आइए, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है, बस सिंपल। और ये गायब, ज़रा देखिए भीड़ में इस जंगल में गायब हो गई, बिल्कुल सीधे गायब। कोई अनुमान नहीं, कोई अनुपात नहीं, कुछ पता नहीं। यही इन जानवरों की कमाल की चीज़ है, इनका कैमोफ्लेज। ये बस अपने पर्यावरण में आते ही गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे छोटा सा जंगल है जो कि आगे जाके बड़े जंगल से मिल जाता है, मगर ये जगह इसके लिए काफ़ी है, सुरक्षित है और अच्छी है। इसी के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया करता हूँ और अंत में आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप और हम मिलकर प्रकृति के इन छोटी छोटी ड्राइंग में अपनी तरफ से रंग भरते रहेंगे, एक सुंदर पेंटिंग बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, एक बार आपसे फिर नई मुलाकात होगी और उसके बाद जानेंगे कि अगला कौन सा जीव आपकी किस्मत में लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।